नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरक्काबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। दिन दहाड़े लूट करने और गोली मारने में इन बदमाशों को कोई भी परहेज नहीं है। ताजा मामला फरक्काबाद का है, जहां बाइक सवार के साथ बैठी उसकी भाभी की पर्स बदमाशों ने लूट ली। जब बाइक सवार ने बदमाशों का पीछा किया तो उन्होंने पेट में गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे उपचार हेतु लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के अंबेडकर नगर भोलेपुर निवासी अश्वनी उर्फ अभिषेक पुत्र मुन्ना लाल श्रीवास्तव अपने मामा की पुत्री के विवाह में जहानगंज थाना क्षेत्र के सितौली जा रहा था। उसके साथ बाइक पर उसकी भाभी दुर्गेश पत्नी रजनीश भी बैठी थी। साथ में दूसरी बाइक पर अभिषेक के मामा का लड़का अरुणेश भी था। उसकी बाइक पर अभिषेक की माँ कुसुम व नन्नी देवी बैठे थे। तभी बेबर रोड से जहानगंज जा रहे थे, तभी सेंट्रल जेल चौराहे के निकट अचानक एक सफेद अपाचे से दो लुटेरे पहुंचे। उन्होंने अविनाश की भाभी दुर्गेश का पर्स लूटा और आलू मंडी रोड भाग निकले। भाभी का पर्स लूट लिए जाने पर अविनाश ने बहादुरी का परिचय देते हुए लुटेरों का पीछा किया। लुटेरे बाइक से ग्राम भोपतपट्टी पहुंचे, जहां अंदर रास्ता बंद होने पर संजू के मकान के निकट अभिषेक ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। अपने को घिरता देखते हुए लुटेरे ने उसके पेट में गोली मार दी और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर डायल 100 मौके पर पहुंची और घायल अभिषेक को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने उसे रेफर कर दिया। सीओ सिटी रामलखन सरोज व कोतवाली फतेहगढ़ भी लोहिया अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जांच पड़ताल की। सीओ सिटी ने बताया कि जांच की जा रही है, जांच के बाद तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद जब छीन के भगा तो ये पीछा किया उसका पीछा, हाँ भाई आपका मेरा पीछा करने के बाद ये झोपड़पट्टी पड़ती है, जो झोपड़पट्टी वहाँ पे वो लोग पहुँच गए। आगे गली में अपाचे गाड़ी से थे, बाइक व्हाइट कलर की। जब ये पहुँच गए उधर रास्ता नहीं था, तो इसको फिर जब नहीं भाग पाए तो इसको गोली मार दी वो लोग। इसके बाद बैग करके भाग गए। क्या नाम क्या भाई आपका? अभिषेक श्रीवास्तव। क्या करते हैं? ये सर स्टडी करता था। रहते कहाँ? रहते भोलेपुर अम्बेडकर कॉलोनी में। क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं अपने भाभी के साथ गाड़ी पे जा रहा था, चोर मेरे भाभी का पर्स लेके भागा। मैं भाभी को उतार के उनका पीछा किया, तो एक जगह पे जाके मैंने उनको पकड़ लिया। फिर मैंने उनको अपना पर्स फोन लेके उनको मैंने बहुत मारा। दो लोग थे, तो 10-15 मिनट बात चलने के बाद तो उसमें से एक ने पीछे से गोली मारी, फिर वो लोग ने गाड़ी से भागे। पर्स किस जगह पे छीना था? पर्स का रिलायंस फ्रेश के उसके थोड़ा आगे। कहाँ जा रहे थे आप? जा कहाँ रहे थे? मैं सितौली जा रहा था अपने, हमारे कल हमारे दीदी की शादी है। डिटेल जानकारी नहीं हुई। महिला द्वारा बताया गया कि शादी में जा रही थी अपने देवर के साथ, और रास्ते में अपाचे गाड़ी से दो लड़के आए और उसका पर्स छीन के चले गए। पर्स में उसके एक मोबाइल था और 300-400 रुपये बता रही है, और मोबाइल उसका मिल गया है। लड़कों की तलाश की जा रही है। लूट का डरा था ना? हाँ, पर्स छीनने का मतलब ये लूट हुआ। विरोध करने गोली मार दी गई? हाँ, वहाँ उसने पीछा किया था लड़के ने, और वहाँ रास्ता ने आगे नहीं था, तो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ करके पैदल उनका पीछा किया, तो उसको फिर। शहर में इस तरीके घटनाएं शुरू हुई है, क्या पुलिस क्या कदम उठा रही है? नहीं, पुलिस उसी चेकिंग कराएगी और अपराधियों को तलाश करेगी, कंट्रोल करेगी अपराध। उसके बाद परिजनों ने कहा कि मरीज सीबीएसआई उसको रेफर कर दो, तो मैंने उसको कहीं हर सेंट्रल गवर्नमेंट हर सेंट्रल आपको कहाँ लेके गए